Assalamualaikum, this is Miss Bahar. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to another vlog. तो कैसे हैं आप सब? Hope you all are fine. So let's start today's vlog. आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं अपनी टेस्टी सी यम्मी सी रेसिपी के साथ. आप सबको भी याद होगा जिस दौरान सैम को मेरा झगड़ा भी हो गया था कि मैंने उसका बना बनाया व्लॉग डिलीट कर दिया था. उसने किचन में मेहनत की थी और किचन में कैमरे को एडजस्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है. तो आप सबको याद होगा, जो न्यू सब्सक्राइबर था, खैर उनको तो नहीं पता होगा इस चीज़ का, हमारा झगड़ा हुआ था. तो सैम ने ना एक बहुत ही टेस्टी सी चीज़ बनाई थी जिसका व्लॉग उसने बनाया था, लेकिन उसकी वीडियो डिलीट हो गई थी जिसकी वजह से हम वो अपलोड नहीं कर सके थे. तो आज सैम अगेन वही रेसिपी बना रही है, तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं. शुरू करते हैं आज का व्लॉग. तो अभी हम आ गए हैं किचन में, तो चलिए आपको सैम की प्रिपरेशन दिखाते हैं. वो अभी क्या कर रही है मैं नहीं बताऊंगा. मेरा मुंह आ गया होगा. नहीं आया होगा. आ गया होगा. पागल हो, इतनी नीचे से कैसे आएगा? अच्छा, ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है और ये मैंने कुछ क्या कहते हैं स्पाइसेस इनको मिक्स कर लिया. और ये हमारी प्याज है और क्या था ये हमारा चिकन बॉयल. और हाथ ना चला लेना ब्लॉक के चक्कर में. और ये चिकन बॉयल हो गया ये तकरीबन. हाँ, मामा और इफ्रा बना रहे हैं खतालियाँ, तो ये उनकी प्रिपरेशन चल रही है. आज पहले मैंने कहा था कि मैं क्राफ्ट बनाती हूँ, फिर साथ में मामा कहती है चलो हम भी लगे हाथों खतालियाँ बना लेते हैं. और आयशा देखे, आयशा क्या कर रही है. आयशा कपड़े वगैरह इसे लगा के रख रही है ना. आयशा बड़ी अच्छी है. खाना बना, ऐसी कंडीशन बना दी है इसने हमारे किचन की, साफ सुथरा किचन. तुम्हारे आते ही मेरा क्रैप टूट गया बदतमीज. इससे तुम्हारे और कुछ भी नहीं. और ये वाला हमने खराब कर दिए है. मैंने इसको फ्राई पैन में बना रही थी. पहले मैंने फ्राई पैन में ही बनाए थे और अब इस बार बने नहीं फ्राई पैन में, तो फिर मैं तवे पर बना रही हूँ. ये जल्दी 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 ना करो. अच्छा, ये ना अभी इसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको चिकन, मतलब इसकी फिलिंग करके ना, तो फिर इसको तवे के ऊपर दोबारा से, मतलब ये 50% अभी 50% कुक है और 50% अभी बाकी है. कभी आप सोचेंगे पता नहीं क्या बना रहे हैं. फाइनली इफ्रा भी अपने मिशन में कामयाब हो गई है. इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है. ये देखें अभी इसने कमी बनाई. वैसे इसमें से दो तीन ना खाई भी जा चुकी है अभी तक. प्यारी लग रही है बैग से देखें. ये देखें कितनी प्यारी लग रही है ना, प्यारा सा कलर आया ना. और ये अभी रेडी कर रही है और ये अभी बाकी है हमारा मिक्सचर. ये बन के रेडी हो गए हैं और मैं एक आप लोगों के सामने बनाती हूँ, अगर अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली आप लोगों के सामने. चलो, ये फटा हुआ है ऑलरेडी, मतलब टूटा हुआ है या क्या कह रही हूँ. और ये बच गया बहुत. अब इसमें मैं ज्यादा लगा दूंगी. कुछ बोलो भी साथ साथ. क्या बोलू, बस इसको इस तरह से चौरस पराठा नहीं बनाते उस तरह से. इस बात एक नहीं है तो मुझे इधर उधर भी हिलने भी दो. इसके अंदर ये लगाएंगे. अच्छा, ये ना सॉस है, मतलब मैंने पहले व्हाइट सॉस थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा बना ली थी कि फिर इसको ना बंद करने में आसानी हो, क्योंकि वो कच्चा वाला मैदा लगाते हैं ना अगर, तो फिर वो सही तरह कुक नहीं होता. इसलिए मैंने कहा कि हम सॉस लगा लेते हैं और फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं आता ना. हाँ, वो कच्चा कच्चा भी नहीं लगता ना. ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह. और अभी सैम इसको फ्राई कर रही है, मतलब ये इस तरह से कुक होने थे. देखें कितना प्यारा कलर आया. वैसे अभी कम्प्लीट कुक नहीं हुआ है, फिर भी बस मुझे शौक है बनने की आदत है आप लोगों को. तो ये जो इसकी फीलिंग है ना, इसका तो टेस्ट उफल्ला इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती. अल्लाह ने मेरे हाथों में बहुत जायका रखा है अल्हम्दुलिल्लाह. फाइनली हमारे क्रैप्स बन के हो गए हैं रेडी. और ये है क्रैप्स की फाइनल लुक. और ये देखें, ये तो इन्होंने खा भी लिया. आयशा भी और मामा ने खा लिया. मेहनत की है मैंने, अच्छा बना है. आप सब बताओ कैसा था. ये बेस्ट हो ना, बहुत अच्छा बना. कैसा लगा सबको बताओ. अब बहुत अच्छा. अच्छा, हम खा पी के फारिग हो गए हैं और आज हम ये ऊपर की चीजें बनाने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गए थे कि हमें ये पता ही नहीं कि हमने खाना भी बनाना है. मतलब वैसे हमारा पेट तो भर गया इसी चीज से. हाँ, वैसे हमारा पेट तो भर गया, लेकिन फिर भी पापा ने तो आगे खाना है ना. और रात को तो मुझे लाजमी भूख लगती है. और पता नहीं क्या कहना था मैंने. बाहत अपनी कैट फूड बना रही है. क्योंकि अभी तक चूल्हा फारिग ही नहीं था, इसलिए इसको ना थोड़ी देर हो गई है. एक मिनट, मैं कितने बजे से आज किचन में थी? असर के बाद से मैं आज किचन में गई हुई थी. और अभी टाइम हो रहा है 8:15 और अभी तक मैं किचन, मतलब समझे मैं 8 बजे किचन से फारिग हुई हूँ
और अब मैंने मुंह हाथ धो के साथ ही वजू कर लिया। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के सुकून से आराम फरमाऊंगी, क्योंकि आज तकरीबन 4 घंटे में मुसलसल खड़ी रही हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत किया है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का मेहनत मेरी वट एवर वेस्ट नहीं गई। उर्दू मेरे हलक में टक गई थी और सबको बहुत ज्यादा पसंद आ गया, तो मेरी मेहनत वसूल हो गई है। अगर मेरा बस चलता ना, वैसे यकीन करें आप लोग, दो दो पीस में आप लोगों को भी देती जरूर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस मेरा दिल कर रहा था कि काश आप लोग भी खाते मेरे हाथ से बना हुआ कुछ। तो गाइस, कल का जो व्लॉग था जो आप लोग देख चुके हैं, वो इसलिए लेट हुआ था क्योंकि हम लोग कुकिंग में लगे हुए थे। वो तो आप लोगों को आज हमारा व्लॉग देख के पता चल ही गया होगा, तो हम बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए कल का व्लॉग लेट हो गया था और हमें याद ही नहीं था कि हमने अपलोड भी नहीं किया हुआ। खैर, जो होना था हो गया, इतना भी लेट नहीं हुआ था, 9:30 से पहले पहले हमने अपलोड कर दिया था। तो आज का व्लॉग करते हैं इधर ही एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग। आई होप यू लाइक आवर व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट, गुड लक, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।